बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब आप ग्राफ पे डिस्टेंस ये फाइंड करना कि दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब ग्राफ पे हमें, जैसे हम मैप कोई लेते हैं और मैप पे डिस्टेंस पता करते हैं ना कि इसमें कितना डिस्टेंस है, क्या है, स्केल के थ्रू आप ओरिजिनल डिस्टेंस जो है अर्थ का भी पता कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, दो पॉइंट के का मिड पॉइंट, उनका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, दो पॉइंट के का मिड पॉइंट, उनका जो सेक्शन पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं, और इसके थ्रू हम जो है हमारे तीन पॉइंट कॉलिनियर हैं कि नहीं ये पता कर सकते हैं। इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे चार पॉइंट हैं वो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ट्राइंगल हमारा कैसा ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल बन रहा है या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी इससे हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें सीखना है डिस्टेंस निकालना, ठीक है। अब वो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम दो पॉइंट लेते हैं, जैसे एक पॉइंट है मेरा जिसको हम एक्स वन और वाई वन नाम देते हैं, और दूसरा पॉइंट होता है जिसे हम नाम देते हैं एक्स टू और वाई टू। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, अंडर रूट में है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक बात का तुमने और ध्यान देना है, अगर x1 पहले भी हो जाएगा तो भी कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर इन इनके आगे पीछे होने की वजह से अगर साइन भी चेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला आपने यही इस्तेमाल करना है। अब इसका एक्चुअल यूज कहाँ होना है, वो यहाँ पर होना होता है ग्राफ पे। मैंने मान लो कोई ग्राफ पेपर लिया, जैसे सपोज यही मेरा ग्राफ पेपर है। अब ग्राफ पेपर पर मैंने एक एक पॉइंट लिया जिसके ये ए लिया, जहां पर एक्स की वैल्यू टू है और वाई की वैल्यू थ्री है, और यहां एक्स की वैल्यू आपकी फाइव है और वाई की वैल्यू भी कितनी है, फाइव है। अब ये ए और बी दो पॉइंट है हमारे पास, इन दोनों को मैंने ऐसे करके मिला दिया। अब मेरे को ग्राफ पेपर पर विदाउट एनी स्केल मुझे ये पता लगाना है इस लाइन की लेंथ कितनी है, ये लाइन जो है वो कितनी लंबी है। तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। ए बी, ए बी मतलब डिस्टेंस ए बी के बीच का, और फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी फाइव माइनस टू। ध्यान रखना एक्स टू, ये एक्स टू है, ये एक्स वन है, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, और फिर वाई टू, ये वाई टू है और ये वाई वन है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर, इधर 5 में 3 गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया और 13 आ गया। 13 को जब आप सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो पॉइंट में भी अगर आप चाहते हो फाइंड करना तो वो कर सकते हो, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो आप जब आप इसको स्केल पे जब मतलब घर जाकर के या अभी भी आप यहाँ ये चेक कर सकते हो कि एक ग्राफ पर ये दोनों पॉइंट लेना ले सकते हो इजीली, और एक ग्राफ पर जो एक लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है ये 1 सेंटीमीटर होता है। फिर आप उसमें ये पॉइंट रखना 3 और 2, 2 3, और ये रखना 5 5, फिर उन दोनों को ज्वाइन कर देना। मैंने तो आपको यहाँ एज अ फॉर्मूला निकाल के दिखाया, ठीक है, 3.6 समथिंग आएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करना, उसी को आप अपनी बुक पे जहां पर ग्राफ पर आपने ये पॉइंट डिनोट करें वहां स्केल से इसको जो मेजर करना है, आप देखोगे वो भी 3.6 आ रहा होगा। अब मान लो मुझे इसी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, मिड पॉइंट से मेरा मतलब है ये पॉइंट, ये मिड का पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट अब स्केल से पता लगाना पड़ेगा, जैसे मान लो ये 3.6 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो मुझे इसका हाफ करके पहले यहां से 1.8 सेंटीमीटर मेजर करना होगा, फिर यहां पॉइंट डालना होगा। लेकिन आप बिना स्केल के कैसे पता कर सकते हो कि इस लाइन का एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या है, तो उसके लिए आपको एक मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, और वो होता है जैसे पी पॉइंट है मिड पॉइंट और ये मुझे फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होगा एक्स वन प्लस एक्स टू इज डिवाइड बाय टू और वाई वन प्लस वाई टू इज डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, क्लियर है इतना।
तो एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू इज डिवाइडेड बाई टू। अब जैसे मुझे इसी का निकालना है, सपोज फाइंड करना है, तो एक्स वन कितना था यहां पर टू और एक्स टू फाइव एंड डिवाइड बाय टू। दूसरा था हमारा वाई वन थ्री और वाई टू फाइव एंड डिवाइड बाय टू। तो ये वैल्यू हमारी हो गई 3.5, तो ये आ गई और 4 ही आ गई। तो जहां पर ये हमारा पॉइंट है वहां x की वैल्यू तो 3.5 है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो मिड पॉइंट निकालने का, अब जहां पर ये p पॉइंट आ रहा है वहां अगर आप देखें तो x की वैल्यू कितनी है 3.5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और हमारे एज द फॉर्मूला भी वही वैल्यू आ रही है। सपोज मैंने यहां पर तीन पॉइंट लिए, पहला पॉइंट मान लो मैंने लिया 2-2 पे ए, दूसरा पॉइंट लिया मैंने 4-5 पे, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5 ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिया मैंने मान लो 5-1 पे, x की 5 और y की 1। अब इन तीनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, तो इन तीनों पॉइंट को मिलाने के बाद हमारा क्या बना, ट्राइंगल बन गया ठीक है। अब मुझे पता करना है ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल की यहां पर जो आप कैटेगरी पता कर सकते हो वो चार कैटेगरी पता कर सकते हो, स्केलेन जिसमें तीनों साइडें अनइक्वल हैं, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइडें इक्वल हैं, और आइसोसेलेस जिसमें दो साइडें इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें पाइथागोरस रूल लग रहा होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ठीक है ना। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तीनों साइडें पता करनी पड़ेंगी। अब तीनों साइडें कितनी है उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल दोगे तो ये साइड पता लग गई, जब आप बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल दोगे तो ये साइड पता लगी, और जब आप ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल दोगे तो ये साइड पता लग जाएगी। तीनों साइडें पता लग गई तो तीन लेंथ पता हो गई, ए बी बी सी और सी ए, बस फिर उसी से हम पता लगाएंगे कि हमारा ट्राइंगल कैसा बन रहा है। तो अभी हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने ए बी फाइंड किया यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी आपको बताया ही था हमने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर ठीक है। अब जैसे मैंने ए बी फाइंड करा, ए बी सपोज ये x2 है और ये x1 है, x2 x1 फिर y2 y1, तो x2 माइनस x1 यानी 4 में से 2 गया 2 और ये 3, 2 का 4 आ गया 3 का 9 आ गया, कितना आंसर आया अंडर रूट 13 आ गया ठीक है जी। अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC, अब क्या फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC, ये डिस्टेंस BC, तो BC फाइंड करेंगे, तो B और C के लिए ये x2 ये x1 5 माइनस 4, ये y2 ये y1 1 माइनस 5 ठीक है। अब 5 में से ये माइनस 4 का स्क्वायर, 1 तो 1 ही है, स्क्वायर में नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है, 16 आ गया तो ये कितना आया अंडर रूट 17 आ गया। फिर फाइंड करते हैं सी ए, सी ए अब सी ए फाइंड करेंगे, सी ए ये तो ये x2 ये x1 यानी 2 माइनस 5, ये y2 ये भी दो ही था और ये y1 2 माइनस 1। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो माइनस 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, माइनस मैंने बताया ऑटोमेटिकली स्क्वायर में खत्म हो जाता है, तो 9 हो गया और ये 1 हो गया। हम यहां देख पा रहे हैं तीनों वैल्यूज जो है वो हमारी अलग अलग आ रही हैं, यानी कि इसमें ए बी नॉट इक्वल बी सी एंड नॉट इक्वल सी ए, तो जब तीनों साइडें अलग हैं तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है, स्केलेन, यानी हिंदी में बोले तो विषम बाहु त्रिभुज बन गया ये हमारा ठीक है। अगर इनमें से कोई दो इक्वल आ जाती सी ए बी सी या इनमें से कोई भी दो साइड, सपोज मान लो ये दो इक्वल आ जाती ऐसे होता तो आइसोसेलेस होता, और अगर ये भी इक्वल आ जाती तो इक्विलेटरल बन जाता ठीक है। तो अभी फिलहाल ये कुछ इस तरीके से है, और एक रूल जो मैं बता रहा था पाइथागोरस का, उसमें क्या होगा कि एक साइड मान लो कोई सी भी जो भी बड़ी वाली होगी ग्रेटेस्ट साइड, उसका स्क्वायर दो अदर साइड जैसे ए बी बच गई और सी ए बच गई,
इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा मतलब क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। राइट एंगल मतलब जो ऐसे राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो अभी जब हम 7.1 के अंदर और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट।